हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मिलिंद कुमार गौतम। आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बिना स्ट्रेस के। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे वीडियो को देखिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम या उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, आते हैं आज के वीडियो पर, जो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और इसके बाकी जो पार्ट है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और उनके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप यहाँ पर पढ़ेंगे आज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस लेंदी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इसीलिए उसकी जो ट्रिक्स हैं वो याद रखना ज़रूरी है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा अपने वीडियोस में वो कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो एक ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी कंपाउंड के साथ में इजीली फिट हो जाती हैं और बहुत ही इजी ढंग से यूज होती हैं और रिमेम्बर करने के लिए बहुत आसान रहता है उससे। तो देखेंगे, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है एडिशन ऑफ अमोनिया इट्स डेरिवेटिव में, कि जो अमोनिया है वो किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड पर एडिशन करता है। हमें पता है कि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, और कार्बोनिल कंपाउंड की जो मेन रिएक्शन होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा यानी अमोनिया, वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा कुछ इस तरीके से। जब अमोनिया अटैक कर देगा, मतलब अपना लोन पेयर दे देगा, तो उस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको कहा जाता है IMPE, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब इसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस पर कार्बोनिल कार्बन पर एक OH लगा होगा और NH2 लगा होगा। ये जो अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट होता है जिससे एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। इस केस में क्या होगा कि जो NH2 है उससे एक हाइड्रोजन और निकलेगा और कार्बोनिल कार्बन से जो OH अटैच है वो रिमूव होगा। इस तरीके से OH- और H+ दोनों मिलकर वाटर बना देंगे और वो बाई प्रोडक्ट होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उस केस में जो डबल बॉन्ड है ये वाला, वो यहाँ आ जाएगा। देखिए, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब इसको कहा जाता है इमीन। ये है इमीन, जिस अमीन नहीं है, ये इमीन है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको इमीन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ये है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। लेकिन अब मैकेनिज्म को याद रखना मुश्किल होता है, भूल सकते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन वो याद रखना मुश्किल होता है, तो मैंने इसकी एक इजी ट्रिक बनाई। अब मैंने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे लिखा जैसे यहाँ लिखा था, लेकिन अमोनिया को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि जो दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, कौन कौन से, एक इस स्टेप में एक इस स्टेप में, उन दोनों हाइड्रोजन को मैंने यहाँ शो किया है। अब होगा ये कि ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर H2O बना देंगे, और ये नाइट्रोजन ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। तो ये होती है इमीन फॉर्मेशन की एक ट्रिक, ठीक है। अब उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, वो तो रिमूव नहीं हुआ आपने पूरी रिएक्शन में किया। अब अगर इस हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एटम से या फिर ग्रुप से, तो उसको कहा जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव भी अमोनिया की तरह ही रिएक्शन करता है, मतलब उसी की तरह अटैक करता है। तो यानी ये जो ट्रिक है वो सभी अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव पर अप्लाई होगी। तो हम देखते हैं कि वो ग्रुप या अमोनिया डेरिवेटिव कौन से हैं।
इसमें सबसे पहला है जिसमें जेड को मिथाइल पार्ट से रिप्लेस किया जाता है। इसमें लिया जेड, रिप्लेस कर दिया मैंने मिथाइल पार्ट से, तो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप प्लस एच एन एच सी एच थ्री। ठीक है, अब इसको कहा जाएगा मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। तो ट्रिक वही, ये देखिए ये एच टू ओ निकल जाएगा और क्या बनेगा, एन सी एच थ्री, ये बन गया मिथाइल इमीन, मिथाइल इमीन। ठीक है, अब उसके बाद इसको एक चीज और है, सब्स्टिट्यूटेड ट्यूटेड अमीन भी कहा जाता है, इमीन भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है सिप्स बेस। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद बी ले लेते हैं, जेड को मैं रिप्रेजेंट रिप्लेस कर देता हूं एनएच टू से। अगर मैंने जेड की जगह एनएच टू डाल दिया तो देखिए ये एक एनएच टू होगा, एक ये एनएच टू होगा, इसमें दो एनएच टू होंगे, और किस तरीके से रिएक्शन करेगा, एनएच टू क्या हो जाएगा, फिर से ये देखिए एच टू ओ निकल जाएगा और बन जाएगा एनएच टू। ये लीजिए, इसका नाम जो है वो है हाइड्राजाइन, और ये बन गया हाइड्राजोन, ये है हाइड्राजाइन और ये बन गया इसका कंपाउंड हाइड्राजोन। अब उसके बाद है, अब जेड को रिप्लेस करूंगा मैं दूसरे एक डेरिवेटिव से, उसमें क्या होगा, सी लिया जेड इज ओ एच। ठीक है, जेड की जगह पर ओ एच है तो इसको देख लेते हैं, प्लस एच ओ एच, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये पार्ट हाइड्रोक्सिल, ये एन एच टू पार्ट अमीन, इसलिए नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमीन। इसमें भी वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एन ओ एच, ये एन और ओ एच अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। अगर यहां पर एसीटोन लेते हैं, मतलब कीटोन लेते हैं, तो उसको कहा जाएगा कीटोक्साइम। अगर यहां पर एल्डिहाइड लेते हैं तो उसको कहा जाएगा एल्डोक्साइम, मतलब एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का ऑक्साइम एल्डोक्साइम, कीटोन तो कीटोन का ऑक्साइम कीटोक्साइम। तो ये है ऑक्साइम फॉर्मेशन, जो किससे होती है, हाइड्रोक्सिल अमीन से। अब उसके बाद है अगला डेरिवेटिव, इसमें डी होगा जब हम जेड की जगह पर एन एच ये लगा देंगे। लीजिए, अब वही ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, एन एच, इसके पहले मैंने आपको हाइड्राजाइन पढ़ाया था, अब हाइड्राजाइन में क्या है, बेंजीन अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजाइन। इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई होगी और क्या बनेगा, एनएच, ये फिनाइल हाइड्राजाइन है तो ये बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। ये फिनाइल हाइड्राजाइन है जिसके किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करवाने पर फिनाइल हाइड्राजोन बना है। अब उसके बाद हम और ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं, ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है। अब हमने ले लिया ई, इसमें जेड को ले लिया एन एच, ये बेंजीन, NO2 अटैच है, NO2 यहां देखिए किस सेकंड पोजीशन पर NO2 है और फोर्थ पोजीशन पर। अब देखिए क्या होगा, ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया और H
एन एच एन एच, बेंजीन के ऊपर सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पर अटैच है NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप सेकंड पोजीशन और फोर्थ पर है तो इसको क्या कहा जाएगा, 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन. क्या है, सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ पोजीशन है, तभी इसको 2.4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, इसलिए इसको 2.4 डीएनपी भी कहा जाता है, 2.4 डीएनपी. अब इसकी रिएक्शन उसी तरीके से होगी, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, एन एन एच और यहां पर बेंजीन रिंग NO2 और ये NO2, ये इसको कहा जाएगा 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन. और इस ये येलो पीपीटी होता है, ये होता है येलो पीपीटी. दोस्तों यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी 2,4 डीएनपी किसी से रिएक्शन करके येलो पीपीटी बनाता है, इसका मतलब वो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है. कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है. तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी येलो पीपीटी बने या एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, ओके. तो ये हुआ इसका फिफ्थ डेरिवेटिव. अब लास्ट डेरिवेटिव देखते हैं कौन सा है. लास्ट डेरिवेटिव है एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू. अब इसमें एच एन एच एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इस ये होता है सेमी कार्बाजाइड. ये है सेमी कार्बाजाइड. इसमें भी वही एच टू ओ निकल जाएगा, NH C डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये बना है सेमी कार्बाजोन. अब सपोज दैट यहां पर आपने एसीटोन लिया तो वो होगा सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन. मतलब जो भी आप यहां पर सबस्ट्रेट लेते हैं उसका नाम इसके साथ ऐड कर देना है, वो उसी का कंपाउंड कहा जाएगा, यानी सेमी कार्बाजोन कहा जाएगा. लेकिन सेमी कार्बाजोन पर एक क्वेश्चन और आता है. देखिए क्या है, जैसे NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, यहां पर ये दो NH2 आपको दिख रहे हैं. तो अब गलती ये नहीं करनी है कि आप किसी भी NH2 को एंगेज कर दें कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, अटैच कर दें कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा नहीं करना है. ध्यान रखेंगे जो NH2 ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के बगल में है, पास में है, वो अटैच नहीं होगा, ठीक है. वो यहाँ पर अटैच होकर ये डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा. देखिए मैंने वही किया है कि जो इससे अलग है, दूर है, उसको अटैच किया है, इसको अटैच नहीं किया है. तो अब एक तो ये फैक्ट हो गया. अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये देखिए, ये इस पर जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. NH CO- NH2+. आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं. और न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो. अब आप देखें कि यहाँ पर जो इस कार्बोनिल ग्रुप के पास में NH2 है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस. देख लीजिए, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए. लेकिन अगर हम दूसरे NH2 को देखें तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके पास प्रॉपर यानी सफिशियंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए.
इसीलिए ये अटैक करेगा और ये वाला अटैच नहीं होगा, अटैक नहीं करेगा। ये एनसीईआरटी का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ आपको सॉल्व कर दिया। तो ये थे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।